गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स एडजेक्टिव्स। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स बिलो देम। अ फनी क्लाउन पर्सन, अ हॉट desert, place, a broken egg, a thing. The words funny, hot and broken describe the clown, the desert and the egg respectively. Such words are describing words. Clown के बारे में बता रहा है, funny, desert hot है, egg broken है। तो इन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। देयर आर सम डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज फॉर द बेबी बॉडी पार्ट्स ऑफ द एलिफेंट्स बिलो इन सर्कल देम। यहाँ पे कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इस एलिफेंट्स के बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए किए गए हैं। अनसर्कल करें और इनको बताएं, जैसे कि ये हमारा है लॉन्ग ट्रंक, तो ये है हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। स्मॉल आइज, ये है हमारा स्मॉल जो है हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। बिग, फैट, शार्प एंड बिग, हैवी, नेक्स्ट है स्मॉल। तो ये है हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो उसके बॉडी पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि उसके ईयर्स कैसे हैं, बिग, बॉडी कैसी है, फैट, आइज स्मॉल, टेल कैसी है, स्मॉल, फीट हैवी। तो उनके बॉडी पार्ट्स को कौन डिस्क्राइबिंग कर रहा है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अ डिस्क्राइबिंग वर्ड इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। डिस्क्राइबिंग वर्ड को एडजेक्टिव भी कहा जाता है, और ये किसको डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को या प्रोनाउन, दोनों को करते हैं। इन सर्कल द एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द पिक्चर बिलो। आपको यहाँ पे सर्कल करना है जो इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे है बिजी मॉम, रेड एप्पल, एप्पल कैसा है, रेड, तो एप्पल को डिस्क्राइब कौन कर रहे हैं, रेड, शाइनी पेनी, फन पार्क, पार्क एक नाउन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है फन, स्मेली गार्बेज, गार्बेज इज अ नाउन एंड स्मेली इज अ एडजेक्टिव, थर्स्टी कैमल, थर्स्टी एडजेक्टिव, कैमल नाउन, क्वाइट लाइब्रेरी, क्वाइट, ओल्ड मैन, मैन कैसा है, ओल्ड, मैन इज अ नाउन एंड ओल्ड एडजेक्टिव, प्रेटी प्रिंसेस, प्रेटी इज अ एडजेक्टिव, क्वाइट एडजेक्टिव, स्लीपी ड्रैगन, स्लीपी and sad, these are all adjectives. Write two describing words for each picture below. इन pictures के साथ आपको दो लिखने हैं इनके describing words. Use one word from the box and one more for your own. यहाँ से एक word लेना है, एक आपको खुद से लिखना है, जैसे ball round है और साथ में big, tortoise slow, heavy, rat little, small, rabbit fast, white. So these are describing words. Next exercise में last C part है इसका। Look at these pictures and fill in the blanks with the correct describing words. Amit is a dash boy, small, big, small boy. इट इज अ डैश डे, ये आपको जो यहाँ पिक्चर से देखना है, सनी डे है या क्लाउडी, सनी, बिकॉज सन है, सूरज है, गर्मी का दिन लग रहा है। द बास्केट इज फुल और एम्प्टी, फुल, द बिग बॉक्स इज हैवी बट द स्मॉल बॉक्स इज लाइट, इट इज अ रेनी डे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेनी डे है। नाउ fill in the missing letters in the describing words. आपको pictures को देख के यहाँ पे word बनाना है, जैसे first cold,
क्लीन डीप बोल्ड डे हॉट सो दिस इज अवर लेसन नंबर 7 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. नेक्स्ट है आपका लेसन नंबर 8 यूज ऑफ ए एंड एन. आपने पहले भी किया है केजी क्लास में. वी यूज एन बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द वाउल साउंड. यू नो वोवल्स ए ई आई ओ यू, इनकी साउंड से पहले हम हमेशा यूज ऑफ एन एन का यूज करते हैं. वी यूज ए बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद ए कॉन्सनेंट, और जो कॉन्सनेंट्स हैं उनकी साउंड से पहले हम उनसे पहले हम ए का यूज करते हैं. एन एप्पल एप्पल ए ए इज अ वोवल सो एन. An old man, an elephant, an owl, an ox, an umbrella. ये सब हमारे वॉवल से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे ए से ओ ई यू ओ ओ, तो ये वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए हमने इनके आगे एन का यूज़ किया. अ टैप अ ट्रेन अ चाइल्ड, ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं जैसे सी टी टी, तो इनसे पहले हमें ए का यूज़ किया. Look at the picture and tick the correct answer. She is a teacher and teacher. A teacher because T है हमारा consonant है. My grandfather is an old man. Oh old. आपको यहाँ देखना है इससे बाद वाले फिलिप से बाद वाले को O है vowel है N. We saw an elephant. ये भी vowel है हमारा E. Next, what a nice day. Nice consonant. He reads a book. A आएगा because B जो है हमारा consonant है. Do you have an umbrella? N आएगा because vowel है हमारा U, तो हमने N का use किया. My dad works in an office. O है हमारा, तो उसको देख के हमें एन का यूज़ किया. ही हैज़ अ ब्लू कैप. ब्लू जो कि हमारा कॉन्सोनेंट है बी, सो हमने यूज़ किया ए. आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ यूज ऑफ ए एंड एन. रिवाइज इट अगेन. थैंक यू.